मध्य महेश्वर उत्तराखंड के पंच केदारों में दूसरा केदार और यहाँ प्रकट हुआ भगवान शिव का मध्य भाग। अपने पंच केदारों की यात्रा में आज मैं जा रही थी मध्य महेश्वर के ट्रैक पर। इस ट्रैक पर जहाँ एक तरफ दर्शन हुए मोरखंडा व मधुगंगा नदियों के संगम और ट्रैक से लगे कई छोटे छोटे खूबसूरत पड़ावों के, वहीं आए कई ऐसे अनोखे पल जब भारत के कई शहरों से आए बाबा के कुछ भक्तों ने मुझे पहचान कर मेरी वीडियोस देखने का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर मेरे इस ट्रैक को और खास बना दिया। ऊखी मठ से 45 किलोमीटर दूर बसा है यह पवित्र केदार। आइए चलें इस दूसरे केदार की यात्रा पर। मध्य महेश्वर के ट्रैक के लिए मैं सबसे पहले रांसी पहुंच गई, जो ऊखी मठ से 22 किलोमीटर दूर है। ऊखी मठ से आप शेयरिंग टैक्सी से रांसी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 100 रुपये है। रांसी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है अक्तोली धार और अक्तोली धार से ही शुरू हो जाता है मध्य महेश्वर का पैदल ट्रैक। आप चाहें तो पूरा अक्तोली धार तक गाड़ी में आ सकते हैं। मैं लगभग 12 बजे रांसी पहुंच गई। यहां रहने के लिए कुछ होटल व होम स्टेज हैं। मैंने लगभग 1 बजे अक्तोली धार से अपना पैदल ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अक्तोली धार में अभी रोड का काम चल रहा है और इस कच्ची रोड में थोड़ा चलने के बाद ही इस रोड से नीचे की तरफ कुछ सीढ़ियां जाती हैं और यहीं से स्टार्ट होता है मध्य महेश्वर का ट्रैक। आज इस ट्रैक पर मेरे गाइड व पोर्टर थे मदन बिष्ट जी, जो कि यहाँ अक्तोली धार के रहने वाले हैं और इस ट्रैक पर गाइड व पोर्टर की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। आज का मेरा प्लान यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर वंतोली तक पहुँचना था, जो कि रांची से 6 किलोमीटर दूर है, और फिर वंतोली में रात का स्टे कर नेक्स्ट मॉर्निंग 10 किलोमीटर का ट्रैक कर मध्य महेश्वर पहुंचना था। अगर आप रांची 3 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो आप उसी दिन ट्रैक शुरू कर वंतोली पहुंच सकते हैं। मध्य महेश्वर का ट्रैक अक्तोली धार के बाद एक घने जंगल से होकर जाता है। पेड़ों के बीच दूर एक नदी बहते दिखती है। अक्तोली धार से 1.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद अब एक तरफ जंगल खत्म हो जाता है और दिखने लगती है नदी की एक बड़ी घाटी। बाद में मदन जी ने बताया कि यह मधुगंगा नदी है। अक्तोली से निकलने के बाद अब मेरा पहला स्टॉप गोंडार गांव होने वाला था, जिसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, और फिर गोंडार के बाद मुझे पहुंचना था वंतोली, जो गोंडार से 1 किलोमीटर और आगे है। ट्रैक पर 2 किलोमीटर के बाद ही अब आपको कई झरनों के दर्शन भी होने लगते हैं। और अब आता है इस ट्रैक का पहला पक्का पुल और इस पुल से लगकर ही है एक खूबसूरत वाटरफॉल। मदन जी ने बताया कि इसे भीम सी गदेरा कहते हैं। ट्रैक का यह पॉइंट बेहद ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर आप कुछ समय रुककर इन सुंदर नजारों को देख रेस्ट कर सकते हैं।
भीम से गदेरा पर थोड़ा देर रुककर एक बार फिर हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। ट्रैक पर आने वाले कुछ लोगों के भाव कैसे थे इसका पता इसी बात से चल रहा था कि जिस जगह पर गंदगी ना फैलाने का मैसेज लिखा था वहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी फैला रखी थी। अक्तोली धार से 4 किलोमीटर के बाद अब आती है एक देवी धार नाम की जगह। यहाँ पर एक मंदिर भी है। यह जगह थोड़ा हाइट पर है। देवी धार में रेस्ट करने के लिए पत्थर के बेंचेस बनाए गए हैं। देवी धार से सामने गोंडार गांव और वंतोली का एरिया काफी क्लियर दिखता है। यहाँ से अब आपको सामने 1 किलोमीटर का ट्रैक दिखने लगता है जो कि हल्का नीचे की तरफ जा रहा था और यहीं से मधुगंगा नदी के भी काफी अच्छे व्यूज दिखते हैं। अब मैं पहुंच चुकी थी गोंडार गांव के पास। गोंडार एक बड़ा गांव है जहां रहने के लिए काफी होम स्टे मिल जाते हैं। हम चाय पीने के लिए यहीं सबसे पहली दुकान पर रुक गए जो थी रमेश पवार जी की। अभी मैं पहुंच गई हूं गोंडार जो कि अक्तोली से जहां से मैंने ट्रैक स्टार्ट किया था वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। तो यह है पहला पड़ाव उस ट्रैक का। यहां पे मैंने एक टी ब्रेक लिया है। अच्छा वंतोली में ही है। दो वंतोली है ना, एक लोअर एक अपर। चाय पीने के बाद हमने एक बार फिर अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। अब हमारी पहली डेस्टिनेशन होने वाली थी वंतोली। गोंडार गांव से थोड़ा आगे की तरफ मैं आ गई हूँ और अभी आप सीन देखेंगे गांव का, तो बहुत ही अच्छा सीन है और रास्ता भी जो है काफी खुला खुला और साफ रास्ता एकदम। गोंडार के बाद अब चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। वंतोली के दो भाग हैं। पहला है लोअर वंतोली और दूसरा है अपर वंतोली। हमारा प्लान आज अपर वंतोली पहुंचकर वहां रुकना था। गोंडार से आधा किलोमीटर बाद दिखने लगती हैं मधुगंगा व मोरखंडा नदियां और थोड़ा कदम चलकर दर्शन होते हैं इन नदियों के पावन संगम के। यहाँ से आगे ये नदी मधुगंगा ही कहलाती है। लोअर बंतोली से 200-300 मीटर पहले अब आपको नदी क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है जिसके लिए यहाँ पर एक लकड़ी का पुल बनाया गया है। नदी के किनारे ही लोहे के पुल का एक बड़ा हिस्सा टूटा पड़ा था। यह पुल मोरखंडा नदी के ऊपर बना है। ट्रैक के बीच बीच में अभी रास्ते पर काम चालू था। इसमें मिट्टी के रास्ते के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बिछाए जा रहे थे। नदी क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद ही अब सामने दिखता है लोअर वंतोली।
लोअर वंतोली में 2-3 ढाबे व होमस्टे हैं। सबसे पहले यहाँ पर होमस्टे आता है बिष्ट जी का, जिन्होंने हमें पानी पिलाने के लिए कुर्सी पर बैठा दिया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने टी ब्रेक लिया था, लेकिन बिष्ट जी फिर भी मानने को तैयार नहीं थे, तो हमें वहाँ बैठना ही पड़ा। बिष्ट जी बहुत ही मजेदार किस्म के व्यक्ति हैं। वह हमें अपना होम स्टे दिखाने के लिए ले गए और फिर हंसते हुए बोले कि अब आपने होम स्टे देख लिया तो अब यहीं रुकना पड़ेगा। वैसे यह जगह बुरी नहीं थी, होम स्टे काफी क्लीन था और सामने नदियों के अच्छे व्यूज दिख रहे थे। और हमारा आज का प्लान भी बस बंतोली तक का था, तो हम वहीं रुक गए। ट्रैक में कई बार आपका सामना कुछ खूंखार जानवरों से हो सकता है, और ऐसा ही मेरा सामना हुआ एक खूंखार जानवर मिस मिंटी से। रात को 9 बजे हम खाना खाकर सो गए। अगली सुबह हम 5 बजे उठकर आज के ट्रैक के लिए रेडी थे। हमने बिष्ट जी के ढाबे में ही चाय पी। सुबह 6 बजे हमने मध्य महेश्वर के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। अभी यहां से चढ़ाई वाला रास्ता दिख रहा था। थोड़ा और उजाला होने के बाद अब सामने के व्यूज और अच्छे दिख रहे थे, तो हम व्यूज देखने के लिए थोड़ी देर खड़े हो गए। सामने एक घना जंगल, उसके नीचे दोनों साइड से बहती नदियां और आगे इन नदियों का पावन संगम, यह भी एक चलती फिरती मेडिटेशन ही लग रही थी। लोअर वंतोली के आधा किलोमीटर बाद आता है अपर वंतोली। यहाँ भी रहने व खाने के लिए कुछ होम स्टे और ढाबे अवेलेबल हैं। ओरिजिनली मेरा प्लान भी यही नाइट स्टे का था, लेकिन फिर मैं लोअर बंतोली में ही रुक गई। ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए अब आपको सामने वंतोली और दूर नीचे गोंडार गांव नजर आता है। अभी यहाँ उम्मीद के उलट ठंड काफी कम थी और ज्यादा हवा भी नहीं चल रही थी, जिससे ट्रैक में काफी मजा आ रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ही दूर हल्की बर्फ से ढकी चट्टानें दिखने लगी थी और उन पर हल्की हल्की धूप पड़ रही थी। अर्ली मॉर्निंग ट्रैक पर सूर्योदय के ये दर्शन हर ट्रैक का एक इंटीग्रल पार्ट कहे जा सकते हैं। थोड़ा दूर आगे बढ़ने पर अब यह ट्रैक थोड़ा और यूनिक हो जाता है। सामने जाते हुए अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आपको मधुगंगा नदी दिखती है, और अगर लेफ्ट टर्न करते हैं तो मोरखंडा नदी, और बीच बीच में इन दोनों नदियों के संगम के दर्शन भी होते रहते हैं।
वंतोली के बाद अब अगला डेस्टिनेशन होने वाला था खडरा, जो वंतोली से 2 किलोमीटर दूर है। वंतोली से यहाँ तक का रास्ता पूरा चढ़ाई वाला है। वंतोली से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आ जाता है आपका अगला पड़ाव, जो है खडरा। यहाँ पर भी आपको रहने और खाने की जो है व्यवस्था हो जाती है। खडरा में टोटल 2 घर हैं, जहाँ आपको खाने व रहने का मिल जाता है। खडरा में हम थोड़ी देर चाय व पानी के लिए रुक गए। इस ट्रैक पर पड़ने वाले छोटे छोटे गांव या पड़ाव में रहने वाले लोग 12 महीने यही रहते हैं। यही उन्होंने खेती बाड़ी कर व जानवर पाल कर अपने घर बसा लिए हैं और इन्हीं घरों में होम स्टेज भी खोल दिए हैं। इस ट्रैक की असली चढ़ाई बंतोली से स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यू खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक है और हर 1 किलोमीटर चलने पे आपको लगता है कि आप जो है 2 किलोमीटर आ चुके हैं। और अभी खडरा से मैं थोड़ा आगे निकल चुकी हूँ। खडरा से मधुमेश्वर धाम रह जाता है लगभग 7 किलोमीटर। अब थोड़ा दूर पहाड़ों पर थोड़ा और धूप दिखने लगी थी। रात की ओस से ढके इन पहाड़ों पर रंग बिरंगे पेड़ पौधे, 2 बड़े पहाड़ों की तलहटी पर बहती मधुगंगा और ट्रैक पर जगह जगह लिखे गए स्लोगन्स को पढ़ खुद को मोटिवेट करना। लंबे ट्रैकिंग के लिए इससे अच्छा माहौल और क्या हो सकता है। ट्रैक पर मैं चल रही थी तभी कंचन नैथानी नाम सुनाई दिया। सामने देखा तो बाबा के 2 भक्त मध्य महेश्वर से नीचे वापस लौट रहे थे, जिन्होंने कि मुझे पहचान लिया था। कोलकाता से यहाँ दर्शनों के लिए आए इस प्यारी फैमिली से अपने वीडियोस के लिए इतना अच्छा फीडबैक सुनकर बड़ी खुशी हुई। थोड़ा देर और बात करने के बाद एक बार फिर से हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। खडरा के बाद अब मेरा नेक्स्ट पड़ाव होने वाला था नानू चट्टी। अभी ट्रैक में ऊपर जाने वाले रास्ते पर पूरी सुनसानी थी। सबसे पहले हम ही इस ट्रैक पर थे। धूप अब बिल्कुल मेरे पास ही पहुंच चुकी थी। सूर्य की कुछ पहली किरणें पड़ते ही मुझ में एक नई एनर्जी सी आ गई। खडरा से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आ जाता है आपका अगला पड़ाव नानू। नानू में केवल 1 घर दिख रहा था। हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए। यहाँ पूरे ट्रैक पर आपको जगह जगह पानी मिल जाता है। ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट।
वंतोली से अभी तक के इस ट्रैक में पूरा रास्ता चढ़ाई वाला ही था। ट्रैक कहीं भी थोड़ा भी फ्लैट नहीं मिला। यहाँ से मैं आपको नीचे का पूरा ट्रेल दिखाती हूँ कि आप जो है लगभग 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करते ही कितने ऊपर चढ़ाई में आ जाते हैं। ये देखिए, ये है पूरा रास्ता नीचे से। जंगल की ताजी हवा के बीच चिड़ियों की चहचहाहट में छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए महादेव के जयकारों के साथ अब मैं अपने नेक्स्ट पड़ाव के लिए निकल गई। पहुंच गई हूं मैं अगले पड़ाव पे। नानू से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक कर आप पहुंच जाते हैं मैखंबा, और यहां से मधमेश्वर धाम रह जाता है बस 4 किलोमीटर दूर। मैं खंबा में भी बस एक ही घर दिख रहा था जहां आप चाय पानी पी सकते हैं। नानू से मैखंबा तक का ट्रैक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टीप था, लेकिन व्यूज भी उतने ही खूबसूरत थे। अब मैं पहुंच चुकी थी अपने नेक्स्ट पड़ाव कून चट्टी। नानू से 3 किलोमीटर दूर है कून चट्टी। कून चट्टी में भी एक ही दुकान है। कून चट्टी के बाद अब अगला पड़ाव मध्य महेश्वर ही होता है। कून चट्टी से मध्य महेश्वर तक के 3 किलोमीटर के ट्रैक में अब कोई दुकानें नहीं है। ट्रैक में एक बार फिर से मुझे अपना नाम सुनाई दिया, अमन और प्रियंका, जो कि चंडीगढ़ से मध्य महेश्वर बाबा के दर्शनों के लिए आए थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और एक बार फिर से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अमन प्रोफेशन से एक मैथ टीचर हैं और ट्रैकिंग भी काफी पसंद करते हैं। अमन और प्रियंका स्वभाव से काफी हम्बल व हिम्मती लगे। आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम। कोई एक्सप्लेन करते हो ना, जल्दी से बताते हो ये होटल इतने रुपए इतना। मध्य महेश्वर मंदिर अभी 2 किलोमीटर दूर था और मुझे ट्रैक पर रिसीव करने व मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पर मिले मिस्टर ढोलू। खैर, नाम जो भी हो, मैंने नाम मिस्टर ढोलू ही समझ लिया। लास्ट का आधा किलोमीटर अब थोड़ा समतल सा दिख रहा था। वंतोली से यहाँ तक का 9 किलोमीटर का ट्रैक पूरा चढ़ाई वाला ही था। मंदिर से 200 मीटर पहले ही अब दूर कुछ होटल व टेंट्स दिखने लगते हैं। लगभग पहुंची गई हूँ मैं मंदिर। यहाँ से बस शायद 200-300 मीटर दूर होगा। यहाँ से आपको टेंट्स और होम स्टे जो है यहाँ से दिखने लग जाते हैं। और अब थोड़ा आगे चलकर ही दर्शन होते हैं दूसरे केदार मध्य महेश्वर के।
वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं मंदिर के दर्शनों के लिए चली गई। यहां पर भगवान शिव के महिष यानी बैल रूप के मध्य भाग नाभि की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे मद महेश्वर या मध्य महेश्वर कहा गया है। बाकी केदारों की तरह इस केदार का निर्माण भी पांडवों द्वारा किया गया माना जाता है। कहते हैं कि यहीं पर पांडवों ने भगवान शिव के नाभि यानी मध्य भाग के दर्शन किए थे। मुख्य मंदिर के अलावा भी कई छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जैसे माँ पार्वती का मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, भैरव मंदिर आदि। यहाँ पर एक कुंड भी दिखाई देता है जिसे अमृत कुंड कहते हैं। भगवान मध्य महेश्वर के जलाभिषेक का पानी भी इसी में मिल जाता है। मंदिर के बगल में ही माँ गंगा की धारा दिखाई देती है। कहते हैं कि ये धारा 12 महीने ऐसे ही बहती रहती है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि पांडवों की तपस्या के बाद माँ गंगा यहाँ पर अवतरित हुई। मुख्य मंदिर के पास ही एक स्थान है गौखू, यानी कि गाय के खुर के निशान। इस जगह से एक कहानी जुड़ी है। कहते हैं कि पहले यहाँ तिब्बत के एक राजा रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक गाय यहाँ शिवलिंग पर दूध दे रही थी। उसे भगाने के लिए राजा ने एक कुदाली मारी तो गाय ने बचने के लिए छलांग मारी और कुदाली शिवलिंग पर गिर गई। और आज भी उस कुदाल और गाय के खुर के निशान यहाँ दिखाई देते हैं। मध्य महेश्वर मंदिर से 2 किलोमीटर के ट्रैक के बाद आता है बूढ़ा मध्य महेश्वर। यहाँ से हिमालयन रेंजेस के काफी अच्छे व्यूज दिखते हैं, लेकिन अभी दिन में वहाँ चारों तरफ बादल लगे हुए थे तो मैंने उधर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अगर आप मध्य महेश्वर में रात का रहने का सोच रहे हैं तो यहाँ आप अपनी मर्जी से होम स्टे या होटल नहीं चुन सकते। यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ यूनियन सिस्टम बनाया है। कुछ लोग यहाँ बाहर ही रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं और एक क्रम से ही एक के बाद एक होटल या होम स्टे फुल करते हैं। इसका मतलब यह है कि वही लोग यह डिसाइड करते हैं कि आप किस होम स्टे या होटल में रुकेंगे। चाहे आपको वहाँ की हाइजीन व अन्य चीजें पसंद आए या नहीं, खाने के लिए भी यहाँ यही सिस्टम होता है। मध्य महेश्वर धाम के दर्शन मैं कर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से आज ही जो है वापस ट्रैक स्टार्ट कर रही हूँ। मन तो था यहाँ स्टे करने का, लेकिन किसी रीजन की वजह से जो है यहाँ रुक नहीं पाऊंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नीचे को ट्रैक। अब वापस जाते हुए मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होने वाली थी थकान, क्योंकि ऑलरेडी 10 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद मैं थक चुकी थी और अभी अकतोली वापस जाने का मतलब था कि मुझे 15 किलोमीटर का ट्रैक और करना था। एक दिन में 25 किलोमीटर का डिफिकल्ट ट्रैक मैंने इससे पहले ज्यादा नहीं किया था। नीचे जाते हुए मुझे एक और सब्सक्राइबर मिले जो महाराष्ट्र से थे और वह अपना ट्रैकिंग एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगे। लगभग 1 बजे मैंने मध्य महेश्वर से वापसी का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। पूरी धूप खिली थी, लेकिन धूप में गर्मी ज्यादा नहीं थी।
भानु चट्टी से होते हुए लगभग 1.5 घंटे में मैं मैखंबा पहुंच गई। मैखंबा से आप नीचे का ट्रेल देख सकते हैं। 3 घंटे में मैं नानू पहुंच गई। शाम 4:30 बजे मैं एक बार फिर वापस लोअर बंतोली पहुंच गई। यहाँ चाय पीने के लिए हम एक बार फिर बिष्ट जी के ढाबे में रुक गए। पांच बजे हमने लोअर बंतोली से ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट अक्तोली के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया और शाम 6 बजे आज के दिन का 25-26 किलोमीटर का ट्रैक कर मैं एक बार फिर वापस अक्तोली धार पहुंच गई और यहां से मैं ऊखीमठ के लिए निकल गई।